इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। कोतवाली थाना क्षेत्र के गुलाबरा के गली नंबर 18 में बंद कमरे में गलती से फायर हो गया, जिसमें गोली कनपटी से आर पार हो गई। गंभीर अवस्था में एक युवक को नागपुर रेफर किया गया। पुलिस ने दो लोगों और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। घटना दो दिन पुरानी बताई जा रही है। दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि चौराहे निवासी अमन वर्मा किराए के रूम लेकर रहता था। दो दिन पहले उसका दोस्त उसके रूम में देसी कट्टा लेकर आया और उसे रूम में छोड़ कर चला गया। इसी दौरान दोनों दोस्त कट्टे को चेक कर रहे थे और अचानक गोली चली, जिसके चलते अमन वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को मृत समझकर दोनों आरोपी फरार हो गए। जब वापस लौटकर देखा तो उसकी प्लस चल रही थी। आनन फानन में दोनों दोस्तों ने उसे नागपुर ले जाकर भर्ती कराया। जब युवक होश में आया तो सारी घटना अपने परिवार को बताई, जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ। परिवार की शिकायत पर दोनों युवकों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। 7:30-8 बजे लगभग मुझे कॉल आया विकास राय का, राहुल का। तो उसने मुझे बताया कि अमन वर्मा का एक्सीडेंट हो गया है। जो भी हुआ मुझे जानकारी नहीं है। बोले MLB स्कूल के पास से मुझे गिरी कंडीशन में मिला, सर से खून बह रहा था। तो मैंने इसे उठा के प्राइवेट गाड़ी में नागपुर लेके आया और मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया था। तो तब कोई जानकारी परिवार फैमिली वाले किसी को नहीं थी। तो फिर हम लोगों ने घर में फ़ोन करके बताया, तब परिजन लोग हम लोग सब वहाँ पे गए। अभी जो इस मामले में 4 लोग शामिल हैं, एक राहुल वर्मा नाम है, एक विकास राय है, और जो मतलब उस घटना में मौजूद थे जतिन वर्मा और एक चंदू वर्मा करके छुई कुनार में रहता है, वो लोग मौजूद थे। और संगीत ने बताया कि इस तरीके की घटना हुई है और हम लोगों ने घबराहट में सीधा इलाज के लिए एडमिट कर दिए, घटना की सूचना नहीं दे पाए। तो कल जो है संगीत वर्मा की जो है रिपोर्ट पर हमने धारा 110 BNS और 2527 आर्म्स एक्ट के तहत राहुल वर्मा और जो चंदू जंघेला है, जिसकी ये अवैध पिस्टल थी, प्रथम दृष्टया दोनों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। इसमें और कंडीशन देख रहे हैं, और कोई कंडीशन तो नहीं है इसमें, बारीकी से हम विवेचना कर रहे हैं। रिपोर्ट दर्ज की है और इसमें जो राहुल वर्मा जिससे गोली चली थी, इसको हमने अभी रक्षा में ले लिया है। और इसने बताया कि यह पिस्टल जो है चंदू जंघेला की थी, चंदू जंघेला भी फरार है, उससे हम ले आते हैं तो इसकी वेपन भी रिकवर की जाए। कोंडीपुरा थाना क्षेत्र ग्राम सारणा के पास 20 जुलाई को एक युवक से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि दरअसल तीनों आरोपी शराब के नशे के आदी थे। शराब के लिए पैसे न होने के कारण इन्होंने बाइक सवार से 10,000 रुपए नगद, रेनकोट, ब्लूटूथ और मोबाइल की चाबी लेकर फरार हो गए। इसी का खुलासा करते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लगभग 52,000 का मशरू का बरामद कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस कांग्रेस भव्य तरीके से मनाने की तैयारी में जुट गई है। इस कार्यक्रम में विभिन्न आयोजन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसको लेकर आज स्थानीय राजीव कांग्रेस भवन में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेस के द्वारा किए जाने वाले संपूर्ण कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही उपस्थित पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई और आगामी समय में होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MSDNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुँच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे पूनम चैम्बर। शहर के अनगढ़ हनुमान मंदिर में सावन माह के दूसरे सोमवार को द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग विराजमान भगवान सोमनाथ का रुद्राभिषेक किया। पंडित नागेंद्र ब्रह्मचारी द्वारा परंपरागत पूजन अर्चन मंत्रोच्चारणों के साथ ही पावन नदियों के जल
दूध, दही, घी, पंचामृत के उपरांत शाम 6 बजे से भगवान का अभिषेक आरती हुई और सुबह 6 बजे से 40 शिवलिंगों में माताओं बहनों के अभिषेक के बाद शाम को खीर पूरी के प्रसाद का वितरण किया गया। श्रावण का दूसरा सोमवार है, इसलिए भगवान सोमनाथ का अभिषेक आज किया जा रहा है। भगवान सोमनाथ के अभिषेक से सब प्रकार की बाधा दूर होकर के घर में सुख शांति आती है, इसलिए अपने क्षेत्र में आसपास सब तरफ सुख शांति रहे, इसलिए भगवान सोमनाथ का आज अनेक नदियों की जल से अभिषेक करके और सबकी मंगल कामना के लिए किया जाएगा। इसलिए श्रावण के महीने में भगवान का हर जगह जगह पर जो पूजन होता है उन सभी में ऐसी सद्बुद्धि बनी रहे कि हम भगवान का हमेशा पूजन करते रहें, इसलिए आज का ये कार्यक्रम सोमनाथ पूजन का। जूनियर डॉक्टर्स ने शुरू की हड़ताल, वन नेशन वन स्टाइपेंड की मांग। चिकित्सा सेवा के अंतर्गत MBBS इंटर्न है जिसके तहत प्रदेश सरकार हमें मासिक देय राशि 13,409 रुपए दी जा रही है। ये राशि हमारी जिम्मेदारियों और चिकित्सा सेवा में हमारे योगदान के अनुपात में अत्यंत अल्प है। वर्तमान में हमें अपनी दैनिक आवश्यकताओं जैसे किराया, भोजन, परिवहन और अत्यंत सामग्री को पूरा करने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस वित्तीय दबाव के कारण हमारी कार्य क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो अंततः हमारे द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। जबकि अन्य राज्यों ने अपने इंटर्न्स की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अन्य राज्य 25,000 से 30,000 रुपए मासिक वेतन देय में वृद्धि की है, जिसके चलते उनके इंटर्न्स को न केवल आर्थिक सुरक्षा मिल गई है बल्कि वे अपने कर्तव्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इंटर्न के रूप में हमें रोगियों की देखभाल, शल्य चिकित्सा में सहायता, चिकित्सीय प्रक्रियाओं का संचालन और अस्पताल के अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों में अन्य भूमिका निभाते हैं। CMHO डॉक्टर एन के शास्त्री के निर्देशन में आज जिला चिकित्सालय में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। नोडल अधिकारी डॉक्टर बसवंत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हेपेटाइटिस का संक्रमण कई तरह से फैलता है, जैसे दूसरों की प्रयोग में सिरिंज पुनः उपयोग करने से, असुरक्षित यौन संबंध से, दूसरों के द्वारा प्रयोग वस्तु जैसे रेजर ब्लेड, नेल कटर, टूथब्रश आदि का उपयोग करने और नाक, कान और शारीरिक छेदी के लिए संक्रमित हुई सुई या स्याही का प्रयोग करने के साथ ही संक्रमित और रक्त उत्पादों का ट्रांसफ्यूजन और डायलिसिस आदि से हेपेटाइटिस का संक्रमण फैलता है। HIV की तुलना से भी हेपेटाइटिस अधिक संक्रामक होता है। हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं में इसका खतरा अधिक होता है। इसके संक्रमण से बचाव हेतु हेपेटाइटिस टीका के 3 डोज लगवाना अनिवार्य है। पहला डोज लगाने के बाद दूसरा डोज 1 माह पूर्ण होने पर तथा तीसरा डोज 6 माह पूर्ण होने पर लगाया जाता है। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम MD छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, TB, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, BP, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यता देखा गया है कि COVID-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, TB, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे पूनम चैम्बर। शहर के मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल में पदस्थ सिविल सर्जन डॉक्टर MK सोनिया समस्त डॉक्टर एवं मेडिकल स्टाफ ने आज जिला अस्पताल के गायनिका वार्ड में केक काटकर जन्मदिन मनाया। केक काटने के बाद समस्त स्टाफ ने सिविल सर्जन MK सोनिया को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।